नमस्कार दोस्तों, अन्नपूर्णा रसोई चैनल पर मैं एकता आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ फूल मठड़ी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये झटपट बनकर तैयार हो जाती है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए हम एक बड़ा बाउल लेंगे, उसके अंदर 2 कप मैदा डाल देंगे। मैदे को मैंने अच्छे से छान लिया है। अब हम इसके अंदर घी डाल देंगे। आप तेल का भी मोयन दे सकते हैं, मैं घी का दे रही हूँ। 2 से 3 चम्मच हम इसके अंदर घी डाल देंगे और स्वाद के अनुसार हम इसके अंदर नमक डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इन सभी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए इस तरह से हाथों से अच्छे से मसल के घी और मैदे को आपस में अच्छे से मिक्स करना है। अगर मोन सही होगा तभी हमारी जो मठड़ी है वो खस्ता बनेगी, नहीं तो हार्ड बनेगी। तो मोन आप अच्छे से डालें मठड़ी के अंदर। देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लेंगे और इसका डो बना लेंगे। डो हमें ना ज़्यादा टाइट बनाना है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट बनाना है, और पानी हमें गुनगुना ही लेना है। देखिए इस तरह से इसका एक सॉफ्ट डो लगाकर हम तैयार कर लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनती है फिर, और दिखने में तो ये बहुत ही सुंदर लगती है। इसी तरह मसल मसल के हम डो लगा लेंगे। देखिए अब डो को हम थोड़ा सा चिकना कर लेंगे। और इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद हम इसे वापस से चेक कर लेंगे और मसल लेंगे। अब हम इसमें से एक बड़ी सी लोई तोड़ लेंगे और उस पर हम सूखा आटा लगा लेंगे। मैंने सूखे मैदे का यूज़ किया है ताकि ये अच्छे से बिल जाए। अब हम एक कटोरी लेंगे, आप कोई भी कटर भी ले सकते हैं बड़ा सा, और इससे गोल गोल कट कर लेंगे हम। देखिए इस तरह से। अगर कहीं से मोटा पतला हो तो आप बेलन से इसे बेल सकते हैं। अब हम इसके 4 हिस्से कर लेंगे। देखिए इस तरह से ये फूल मठड़ी फ्रेंड बहुत ही सुंदर लगती है, दिखने में भी और खाने में भी। कोई गेस्ट आए तब भी ये जब हम उन्हें परोसते हैं तो बहुत ही सुंदर लगती है। और इसे बच्चे भी बना लें, ये बहुत ही आसान तरीका है फूल मठड़ी बनाने का। देखिए इस तरह से हम इसे लगा लेंगे। ये 8 त्रिकोण हैं फ्रेंड्स, 1 के 4 और 1 के 4 8 हो गई। ये 8 का हम बनाएंगे फूल, और पिच चक्कू की बैक साइड से इसे हल्का हल्का दबा देंगे ताकि ये आपस में अच्छे से चिपक जाए। देखिए इस तरह से, कटना नहीं चाहिए बस चिपकना चाहिए। और अब ऊपर से हम इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और बीच में से इस तरह से दबाएंगे। ये 1 से 2 फूल मठड़ी बनकर तैयार होगी। देखिए इस तरह से इसे बनाना बहुत आसान है, इसे बच्चे भी बना सकते हैं, और ये दिखने में भी सुंदर लगती है और खाने में भी टेस्टी बनती है। और अब हम इसकी पंखड़ियाँ खोल लेंगे। आप देख सकते हैं कितना सुंदर दिख रहा है हमारा फूल, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और अब हम इसे अच्छा सा लुक देने के लिए इसके अंदर एक लौंग लगा देंगे, जिससे दिखने में सुंदर लगेगी। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। और इसी तरह हम दूसरी भी खोल लेंगे। देखिए, और इसके अंदर भी हम लौंग लगा देंगे। और इसी तरह हम सभी बनाकर तैयार कर लेंगे।
देखिए फ्रेंड, मैंने कुछ मछली तैयार कर ली है, अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने तेल गरम करना रख दिया था, तेल हमारा गरम हो गया है। अब हम इसमें एक एक करके फूल मछली डाल देंगे। एक साथ ज़्यादा मछली ना डालें, चार ही मछली डाली है मैंने क्योंकि मेरी कढ़ाई छोटी है। अगर आपकी कढ़ाई बड़ी है तो आप ज़्यादा मछली डाल सकते हैं। और इन्हें हल्का सा फ्राई हो जाए जब हम इन्हें उलट पलट कर देंगे। देखिए इसकी पंखड़ियाँ जो है तेल के अंदर अच्छे से खिल गई हैं और ये बहुत ही सुंदर लगेगी। और इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। देखिए फ्रेंड, ये हल्की हल्की फ्राई हो गई हैं और ये दिखने में बहुत सुंदर लग रही हैं। आप देख सकते हैं इनका कलर काफ़ी चेंज हो गया है। अब ये फ्राई हो चुकी हैं, इनको हम निकाल लेंगे और इसी तरह सभी मछली फ्राई करके रख लेंगे। देखिए फ्रेंड, हमारी फूल मछली तैयार है खाने के लिए। बहुत सुंदर लग रही हैं, कोई गेस्ट आए तब भी हम उन्हें परोसते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको फूल मछली का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अन्नपूर्णा रसोई चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट करके भी ज़रूर बताएँ कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। फिर मिलेंगे हम नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। सब्सक्राइब करें अन्नपूर्णा रसोई चैनल को और बेल बटन को दबाएं हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।